व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब। तो एक नया फोन टेक्नो लॉन्च कर दिया आज इंडिया के अंदर, जो कि है टेक्नो पोवा। आई डोंट नो पोवा का मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी को पता है तो बताना जरूर। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस फोन के बारे में। एक्चुअल में अगर हम बात करें इस फोन की प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन आपको 10,000 रुपए के अंदर देखने को मिलेगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर इसकी सेल है, लेकिन उसके पहले हम आपको बताएंगे कि इस फोन में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है या फिर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। साथ में जो कैमरा वगैरह है उसकी भी परफॉर्मेंस हम लोग टेस्ट करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको जानना है इस फोन के बारे में कैसा है ये फोन, तो ये वीडियो आप देखते रहिए, आई होप ये आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस बॉक्स की डिजाइन, तो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो कलर्स वगैरह हैं ये काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग यहाँ पे दे रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें इसके वेरिएंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वेरिएंट है हमारे पास, ये है 4GB रैम के साथ में, जहाँ पे आपको 64GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं ये जो सील है, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या कुछ फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे आप इसको हटाएंगे, यहाँ पे हम आपको कुछ हाईलाइट चीज़ें आपको दिखा देते हैं जो कि ज़रूरी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हीलियो G80 प्रोसेसर, जो कि मीडियाटेक के साथ में आता है। और यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। 18W की फ्लैश चार्ज, मतलब फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है, और डॉट नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं इस फ़ोन को, और यहाँ पे एक सील को हम लोग ब्रेक करेंगे। ओके वाओ। तो पहले आपको मिलता है आपका स्मार्टफोन, कुछ इस तरह से आपको बाहर निकालना है। और ये जो कलर है ये है हल्का पर्पल टाइप का, और अच्छी बात ये है कि बैक कवर इन्होंने लगा के दिया है, मतलब अलग से नहीं दिया है, अप्लाई करके दिया है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसको यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे। तो ये जो कलर है, हम इतना कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो शेड है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, हल्का कुछ आपको टेक्स्चर देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में फ़िलहाल के लिए, देखते हैं और क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, और ये है यूज़र मैनुअल, और एक चीज़ आपको मिलता है गूगल असिस्टेंट। ओके, शायद इसमें डेडिकेटेड एक बटन भी दिया गया है, ये देखिए, जो कि गूगल असिस्टेंट के लिए काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कलर का है। बाकी यहाँ पे पावर बटन और वैल्यूम प्लस माइनस बटन, जो कि रेगुलर आपको हर एक स्मार्टफोन में मिलता है, तो ये चीज़ तो है ही है। एक्स्ट्रा बटन दिया गया है, तो शायद ये पंपलेट जो है उसको इंडिकेट करने के लिए है। और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 12+1 मंथ का वारंटी, मतलब 13 मंथ का। तो यहाँ पे रखते हैं साइड में, और ये क्या चीज़ है भाई। तो ये है एक IMEI स्टिकर। इसके अलावा यहाँ पे आपको केबल मिलती है, विच इज़ माइक्रो USB टाइप सी केबल, यहाँ पे आपको नहीं मिलती है, और मुझे लगता है कि टाइप सी होना चाहिए था। और ये है एक सिम इजेक्टर टूल, साथ में आपको मिलता है 18W का फास्ट चार्जर, विच इज़ अगर हम रेटिंग की बात करें तो मैक्सिमम जो करंट है वो है 12V 1.5 एम्पीयर। तो ये भी सही है कि आपको फास्ट चार्जर इस फोन के साथ में ही देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे फोन को मैंने पूरा सेटअप कर लिया, और फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें तो डिवाइस देखने में काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको हल्का सा टेक्सचर देखने को मिलेगा, बट फील नहीं होता, मतलब टेक्सचर जो है वो इंटरनल यहाँ पे डिजाइन के लिए क्रिएट किया गया है। जस्ट ऊपर से अगर आप टच करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ क्लीन इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे शेड की, तो शेड भी इस बार थोड़ा सा आपको नया देखने को मिलेगा, हल्का सा स्काई ब्लू टाइप का जो इफेक्ट है वो देखने को आता है। अब गाइस, अगर हम बात करें इस फोन की बिल्ड क्वालिटी की, या फिर अगर आप अपने हाथ में होल्ड करेंगे तो आपको कैसा फील होता है, तो काफ़ी सॉलिड फोन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और ये जो बैक पोर्शन है ये पॉलीकार्बोनेट का बनाया गया है, और देखने में ये फोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सामने की तरफ आपको सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, और जो साइज है ये है 6.8 इंच का। जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है, और क्लियरिटी की अगर हम बात करें तो काफ़ी क्लियर है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इवन डे लाइट में भी अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो आप देख सकते हैं कि डे लाइट की परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही इस फोन में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मीडियाटेक का G80, विच इज़ गुड प्रोसेसर। अगर हम बात करें यहाँ पे गेमिंग के हिसाब से, कुछ गेम्स मैंने यहाँ पे ट्राई करे हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पे COD की, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला है। और स्पेशली अगर हम बात करें इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, जहाँ पे 10,000 रुपये के अंदर जो स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में आज की डेट में, तो उनमें से ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, और परफॉर्मेंस में कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। मीडियाटेक G80 एक काफ़ी अच्छा कैपेबल चिपसेट है, जहाँ पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस, साथ ही साथ मल्टीटास्किंग में भी
कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे बेस जो क्लॉक स्पीड है तो वो है 2.0 GHz, साथ में आपको जो GPU मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है जो कि है माली का, और यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 950 MHz। अब यहाँ पे टेस्ट करते हैं इस फोन का कैमरा, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि इस फोन में सबसे पहले क्या कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है कैमरे के डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर मिलते हैं, साथ ही साथ एक और कैमरा मिलता है जो कि है AI कैमरा। तो टोटल यहाँ पे बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, साथ ही साथ एक LED फ्लैश भी दिया गया है। और अगर हम बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरे की तो यहाँ पे दिया गया है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, विच इज डॉट नॉच या बोल सकते हैं पंच होल कैमरा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कैमरा क्वालिटी की तो यहाँ पे कुछ फोटोज हम क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इस फोन का कैमरा फर्स्ट इंप्रेशंस में मुझे कैसा लगा। तो यहाँ पे रियर कैमरे से कुछ फोटोज हम यहाँ पे खींचेंगे, शटर स्पीड यहाँ पे ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा फास्ट आपको देखने को नहीं मिलती, हालांकि जो क्वालिटी है वो काफ़ी सही है। अगर हम बात करें इस प्राइस रेंज में तो क्वालिटी काफ़ी सही आती है, यहाँ पे सैंपल्स मैं लगा दूंगा तो आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरे की, ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फोन का फ्रंट कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में भी, हालांकि डे लाइट में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है तो टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे इसके फुल रिव्यू वाले वीडियो में। फिलहाल के लिए फर्स्ट इंप्रेशन की अगर हम बात करें तो कैमरा क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी सही देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस फोन के बैटरी परफॉर्मेंस की तो बैटरी परफॉर्मेंस भी इस फोन की अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाती है 6000 mAh की बैटरी, साथ में आपको 18W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है। तो बैटरी के डिपार्टमेंट में भी ये फ़ोन काफ़ी सही है, और इस प्राइस रेंज में आपको इतनी बड़ी बैटरी मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी फ़ोन में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और फीचर्स की सॉफ्टवेयर के मामले में तो ये स्मार्टफोन का जो UI है वो भी काफ़ी सही है, काफ़ी स्मूथ है, कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ पे कुछ ब्लॉटवेयर आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जिनमें से काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था टेक्नो का नया स्मार्टफोन टेक्नो पोवा, जो कि आपको मिलता है 9999 में। फ्लिपकार्ट के ऊपर इसकी जो सेल है वो आपको मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें ओवरऑल यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सही है और फ़ोन भी देखने में काफ़ी अच्छा है। तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू और फर्स्ट इंप्रेशंस इस फोन के बारे में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।